जितेंद्रिय उल्का मुख राजा भद्रशील तट स्वयं विराजा करता था सतव्रत सतधारी सकल समाज संग निज नारी साधु वैश्य वहां पर आया जहां भक्तिमय मंगल छाया वैश्य विनीत जानना चाहा राजा ने सब कुछ बतलाया राजा ने सब विधि बतलाई सत्य प्राण महिमा समझाई सभी पाप हर लेने वाला सभी मनोरथ देने वाला सुख संपदा पुत्र पाने को और परलोक समर जाने को कलयुग में विशेष हितकारी करता हूँ व्रत मंगलकारी जो विश्वास सहित अपनाए जो फल चाहे सो फल पाए सत्य यही है मेरे घर संतान नहीं है विष्णु का व्रत अपनाऊंगा जब मैं भी संतति पाऊंगा पहुंचा घर पति को जाकर हरि व्रत महिमा कही सुनाकर जब होगी संतान हमारे व्रत में करूंगा साथ तुम्हारे जाने कौन ईश की माया साधु ने कन्या धन पाया कलासी रूपमती थी और नाम से कलावती थी लीलावती साधु की नारी बोली वचन वैश्य हितकारी बांधव सहित शीघ्र व्रत कीजे प्रभु को धन्यवाद अब दीजे बनिए की बुद्धि भरमाई व्रत की बात न उसे सुहाई जब कन्या का ब्याह करूंगा सतव्रत को मैं शीश धरूंगा यह कह पत्नी को समझाया कोई न जाने हर की माया वाणिक घर मंगल छाया बेटी ब्याह का अवसर आया फिर भी व्रत की बात विसारी रोष पूर्ण तब हुए करारी दिया श्राप प्रभु को पितवानी होवे महा दुख धन हानि साधु जवाई बड़ा नेक था दोनों का व्यापार एक था रत्नपुरी में कर कुछ धंधे पहुंचे लोभ मत के अंधे चंद्र केतु नगरी में जाकर
वही होनी ने पटका लाकर राजा का धन चोर चुरा कर साधु समीप छुपे तब आकर देखे जब सैनिक कुछ आगे धन वह साधु निकट तज भागे देखा जब सैनिक ने राज धन बांध लिए तुरत वाणिक जन कुछ न हुई उनकी सुनवाई हरि विमुख कैसे हो भलाई जब दुष्कर्म एक कर जाता दुख पूरा परिवार उठाता जब दुष्कर्म एक कर जाता दुख पूरा परिवार उठाता दुख पूरा परिवार उठाता लीलावती बहुत दुख पाई जो संपत्ति थी चोरों ने चुराई कलावती चिंतित दुखियारी भूख प्यास वश बनी भिखारी कला गई उस ब्राह्मण के घर होती थी हरि कथा जहाँ पर ले प्रसाद खातह घर आई माँ पूछा कहाँ रात बिताई जो देखा सो कला सुनाया फिर सतकथा प्रसंग चलाया लीला के मन में कुछ आया व्रत का दृढ़ संकल्प बनाया प्रेम सहित पूजा करवाई सत्य देव महिमा मन भाई और भक्ति विश्वास जो जागा जल्दी पति मिले वर मांगा एक व्यक्ति सत्कर्म करे जो सुख मिलता पूरे कुटुंब हे प्रभु प्रेरी निज माया चंद्र केतु को स्वप्न दिखाया जो नहीं भक्त छुटेंगे मेरे होंगे नाश पुत्र सब तेरे सुबह सभा में स्वप्न सुनाया तुरत वहां बनियों को बुलाया फौरन बंधन मुक्त कराया उनका धन दुगुना लौटाया राजा उनको अभय किया फिर घर जाने की आज्ञा देकर पाठ यह तीन